Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Batch Question. तो आइए आज हम चैप्टर 3 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं। कहने का मतलब क्या भाई साहब? कहने का मतलब ये कि यदि आप चैप्टर 3 में यह वाला सवाल कर लिए, चैप्टर 3 में यह वाला सवाल कर लिए ना, चैप्टर 3 समाप्त हो जाएगा। सिर्फ चैप्टर 3H ही बचा है, लेकिन चैप्टर 3H के पहले वाले चैप्टर में 3 सभी समाप्त हो जाएंगे। चैप्टर 3H को छोड़ देंगे, उसके पीछे का चैप्टर यदि आप इसे लगा लिए तो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं यह प्रश्न क्या कहता है। यह प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। फिर से कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि जहां पर इस प्रकार लिख दे नाव की चाल या उस लड़के की चाल, गाड़ी की चाल, बैलगाड़ी की चाल या कार की चाल, कुछ भी लिखा हो आप उसे मान लीजिए एक्स तथा वाई है और चाल रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर मिनट में इसमें रहता है। तो आपको हम लिखेंगे, पहले माना है कि नाव की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें हम बता दें ये धारा और नाव वाले में आपको हमेशा दिया जाता है प्रतिकूल तथा अनुकूल। तो हम इसमें आपको बता दें, जब प्रतिकूल पूछेगा तो जो यक्स और वाई माने रहेंगे उसमें आप घटा देंगे यक्स माइनस वाई, और जब अनुकूल पूछेगा तो आप एक्स प्लस वाई यानी कि जो यक्स है और वाई है उसे जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल, यहाँ पर देखिए सिर्फ नाव की चाल है लेकिन धारा के अनुकूल इस बार लिखने जा रहे हैं। धारा के अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल में क्या कहे हैं, प्लस होगा, हम यहां पर लिख देते हैं अनुकूल में प्लस होगा और प्रतिकूल में माइनस होगा, ठीक है। तो अनुकूल में क्या होगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर घंटा प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के अनुकूल हो गया, आप फिर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, नाव की चाल प्रतिकूल में एक्स माइनस वाई हो जाएगा, आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे, 15 मीटर लग जाएगा क्योंकि आपको यहां पर हमें समझाना अच्छी तरह से। एक्स माइनस वाई अब बुझ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त आपका दिया है प्रथम शर्त क्या दिया है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर उसके प्रतिकूल चल रहा है। प्रथम शर्त के अनुसार 10 घंटा आप इधर लिख लीजिए, 9 धारा के अनुकूल 10 घंटे में, प्रथम शब्द के अनुसार है
दस घंटे में नाव, यहां पर देखिए नाव के द्वारा धारा के अनुकूल दस घंटे में, यहां पर प्रतिकूल है यहां पर अनुकूल, दस घंटे में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यहां पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, नाव के द्वारा धारा के अनुकूल 10 घंटे में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो कितना समय लग रहा है? 10 घंटा तो लग रहा है। पहली बार 10 घंटा तो हो गया बराबर किधर, लेकिन इधर क्या लिखाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल 44 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर चाल की जगह क्या लिखाएगा, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, यहां पर अनुकूल है यानी कि अनुकूल वाला चाल यहां पर लिख लेंगे यानी कि एक्स प्लस वाई, और फिर से हम लिखेंगे 10 घंटे में प्रतिकूल चलने में, 10 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, लेकिन यहां पर प्रतिकूल रहेगा, ठीक है? इस बार लिखेंगे नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल दस घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 10 घंटा तो यहां पर भी रहेगा ही, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है एक्स माइनस वाई। ये समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि आप देखेंगे तो 10 घंटा ये है और 10 घंटा ये है, तो इसके अंतर लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, चौवालीस बटा एक्स माइनस वाई माइनस 30 बटा या प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 घंटा। ये चल रहा है आपका अनुकूल की स्थिति में, ये चल रहा प्रतिकूल की स्थिति में, और इन दोनों के अंतर में 10 घंटे का समय लग रहा है। ये समीकरण 3 हो जाएगा, और समीकरण 4 के लिए इसी प्रकार सभी बनेंगे। हम पहले बार सब इसको इसीलिए तोड़ कर बताए हैं कि दूसरी बार आपको आसानी से समझ आ जाए, तो हम दूसरी बार लिख दे रहे हैं। देखिए 44x + y है, इसी प्रकार इसमें भी ये जो 44 है आपका अनुकूल है, तो इसमें देखेंगे अनुकूल वाला कितना है, अनुकूल वाला 55 है, तो दूसरा हो जाएगा 55 और x + y, तो x + y यहाँ पर भी हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर इसमें प्रतिकूल का है, इसमें से 40 किलोमीटर प्रतिकूल की स्थिति में, तो हम लिखेंगे 40 और प्रतिकूल की स्थिति में चाल लग रहा है x माइनस वाई वाला, और समय लग रहा है 13 घंटे का। इसी प्रकार बनेगा, इतना फिर से आपको लिखना पड़ेगा, फिर से ये समीकरण आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ देखिए 30 है और यहाँ है 40, तो हम इसमें क्या करते हैं 40 से गुणा कर देते हैं समीकरण 3 में, और समीकरण 4 में 30 से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने के बाद क्या होगा, समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 में 40 से तथा 4 में 30 से गुणा, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 44x - 40 बटा x + y माइनस 120 बटा x - y =
40 से गुणा हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। और इसमें आप 30 से गुणा करेंगे तो 55 गुणे 30 बटा एक्स प्लस वाई माइनस का 40 में 30 से गुणा करेंगे तो 120 बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तेरह करेंगे आप 30 से गुणा 39 390 हो जाएगा। अब इसे आप कर लीजिए समीकरण 6, समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसके बाद फिर से मिटाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1760 बटा एक्स प्लस वाई, और ये है माइनस का 5 15 5 15 1650 बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, 400 में से 390 घटेगा तो बचेगा आपका 10। अब एक्स प्लस वाई आप एलसीएम ले लेंगे और 1760 माइनस 1650 कर देंगे इक्वल टू 10, 1760 में से 1650 जाएगा तो आपका बचेगा 110 लगभग में, देख लीजिए 0 1 और 1 1 कट जाएगा, ठीक है 110 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, 110 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तिरछी में गुणा कर देंगे आप तो एक्स प्लस वाई और यहाँ 10 हो जाएगा इक्वल टू 110, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 110 बट्टा 10 यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। अभी आपका सिर्फ एक्स प्लस वाई आया है, कहने का मतलब ये एक्स प्लस वाई नाव की धारा के अनुकूल वाला चाल आ गया है, नाव की धारा के अनुकूल की चाल आ गया, दोनों जोड़कर आ गया है। अभी इसमें से भी देखिए और कम होगा क्योंकि दोनों जोड़कर आ रहा है, अब इसमें से निकालेंगे तो और छोटा आएगा। देखिए x प्लस वाई का मान 11 आ गया, x प्लस वाई का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे, देखिए समय और जगह बहुत कम है, ठीक है हम यहीं पर रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 44, x प्लस वाई का मान 11 है और माइनस 30 बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 4 माइनस 30 बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, ये हो जाएगा माइनस 30 बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 और ये प्लस है तो इधर होकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 30 बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 और यहां पर देखिए इसके बाद से एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 बटा 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5 आ गया, हम यहां पर रख देते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। अब इसे जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण, ये समीकरण लिख लीजिएगा, इसको समीकरण लिख दिया जोड़ने पर हो जाएगा ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 से 5 जाएगा 6 हो जाएगा और x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x मान 3 आ जाएगा, आप x का मान इसमें रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, x मान 3 प्लस वाई इक्वल टू 11, y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसे हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया है। देखिए माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और तथा नाव की धारक नाव की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा और धारक चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नाव है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चल रहा है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखे प्रथम शर्त के अनुसार नाव धारा के अनुकूल 10 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है और उसी में लिखना है आपको माइनस 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है, तो उसी को हम लिख दिए हैं
ये जो 10 घंटे में अनुकूल में जाती है और ये माइनस 10 घंटे में प्रतिकूल में जाती है इक्वल टू 10, और दूसरा जो लिख दिए हैं 13 घंटे में, यानी 13 घंटे में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल माइनस हो गया है। इसको सिर्फ लिखने में बड़ा हो रहा है, लगाने में बड़ा नहीं होगा जब आप समझ जाएंगे। तो चलिए आपका यहीं पर समाप्त होता है।